चिटफंड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सीबीआई रिपोर्ट से शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के कम नंबर, आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट, पेपर में गड़बड़ी कब और कैसे हुई, कितने सॉल्वर्स पकड़े गए, दोबारा जांच की मांग और पेपर में गड़बड़ी की पूरी टाइमलाइन पर चर्चा हुई। कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रों के सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा, साथ ही काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि सभी छात्रों के परिणाम शहरवार और केंद्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किए जाने चाहिए। वहीं एसी ने कहा कि काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा, ये 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी। सीजेआई ने कहा कि हम सोमवार को ही इसको लेकर सुनवाई करेंगे। इसी के साथ ही नीट यूजी परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लंबी बहस हुई। इसके बाद भी करीब 23 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स को इस सवाल के जवाब का इंतजार है। इसी को लेकर दिल्ली से संवाददाता शुभ सेठ ने कुछ नीट छात्रों से बातचीत की, सुनते हैं उनका क्या कहना है। नीट परीक्षा के धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी विद्यार्थियों ने नीट के एग्ज़ाम दिए हैं उनके रिजल्ट जो है ऑनलाइन डिक्लेयर किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंडे पे इस पे फाइनल फैसला सुनाया जाएगा। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम परमवीर सिंह है और मैं अड्डा 247 में टीचर हूँ, बॉटनी फैकल्टी। टीचर हो आप, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर मामला चल रहा है, क्या लगता है मंडे को जब फैसला सुनाया जाएगा तो स्टूडेंट के पक्ष में आएगा? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कह दिया कि ऑनलाइन रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर कर दिया जाए लेकिन नाम जाहिर ना किया जाए। सीजीआई ने जब जैसा कि मेंशन कर दिया है कि भाई आपको डाटा प्रेजेंट करना है, जब हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बिल्कुल सच बात है कि चीज़ें और बेहतर तरीके से सामने आएंगे और एक फैसला हम कह सकते हैं कि मंडे को हमको एक क्लियर फैसला देखने को मिल जाएगा। हम लगातार स्टूडेंट से बात कर रहे थे जिन्होंने नीट के पेपर दिए, उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि री एग्ज़ाम नहीं किया जाए क्योंकि हमारी मेहनत बिगाड़ जाएगी। तो इसको किस तरह से देखते हैं? कुछ स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम को मांग कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरी तरफ जो कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखता हूँ कि देखो एक तरफ वो पक्ष है जिसके साथ बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, जिसके पेपर के साथ छेड़खानी हुई है, जिसको सही न्याय नहीं मिला। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो बच्चे सेल्फ डाउट में है, और सेल्फ डाउट में कौन से बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि इस बार तो शायद मैं 650 ले आया, हो सकता है अगली बार मैं 650 ना ला पाऊँ। मैं उन बच्चों को थोड़ा सा गाइड करूँगा और उनको ज़रूर ये चीज़ बोलूँगा कि बच्चों आप ये अपने जीवन का आखिरी एग्ज़ाम नहीं दे रहे, ये कहीं ना कहीं शुरुआत है, ये जस्ट MBBS में एंट्री का पॉइंट है और इस तरीके के एग्ज़ाम लाइफ में बहुत सारे दोगे। और अगर आज से कुछ ही साल पहले का अगर हम एक व्यू ले कि जब कोविड वाला टाइम आया था, कोविड वाले बच्चों को हम क्या बोलते हैं, भाई ये कोविड के बच्चे, इनकी सही से पढ़ाई नहीं हो पाई। अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया और कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह रह गया तो कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा कि तुम 2024 वाले बच्चे थे जो जस्ट कहीं ना कहीं धांधली की तरह से एंट्री ले गए थे। या फिर अगर रीनीट हो जाता है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लाइफ लॉन्ग आपको ये रहेगा हाँ 2024 वाले बच्चे थे जहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, मगर हमने फिर से नहीं रीनीट दिया, हमने फिर से अपनी जो दावेदारी थी वो पक्की की। तो हम उन सभी बच्चों को यही गाइड करना चाहेंगे, भाई सच के साथ रहो, थोड़ा सा आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी बट आप उससे घबराओ मत। अगर आपने अच्छा एग्ज़ाम इस बार किया है तो आप फिर से अच्छा ही करोगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, इसे आप किस तरह से देखते हैं कि पेपरों में धांधली के मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं लेकिन अभी तक इस पर कोई भी पूरी तरह से रोक नहीं लग चुकी है? बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसको NTA को एम्पावर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता NTA प्रॉपर इस कंडीशन में है कि सारे एग्ज़ाम ढंग से करा पाए। 24 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, और अगर आप NTA ऑफिस के पे ही नज़र डालें और वहाँ के मेंबर्स में नज़र डालें तो मुझे नहीं लगता वो इतने एम्पावर हैं कि इतने सारे एग्ज़ाम करा पाएँ। इस तक मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? हर्ष दुबे। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया है कि लोगों के जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया जाए लेकिन नाम छुपाया जाए, और जो फैसला आएगा वो मंडे को आएगा, इससे किस तरह से देखते हैं आप? अगर नाम छुपा के और रोल नंबर, लेकिन रोल नंबर तो डिक्लेयर होगा ना अगर, तो हम लोग ये खोजने की तैयारी प्लानिंग करेंगे कि जो बच्चा साल भर 200-300 नंबर लेके आ रहा है वो एकदम से 690-700 नंबर कैसे लेके आ रहा है। तो ये चीज़ें मतलब इसमें से निकल के आएंगी बाहर, की जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े हैं वो एकदम से पेपर में सिर्फ सीधा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए अच्छे वो सीधा पेपर में परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं। क्या लगता है मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को फैसला सुनाएगी तो स्टूडेंट्स के पक्ष में फैसला होगा? बिल्कुल, स्टूडेंट्स के पक्ष में ही जहाँ तक फैसला आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि पेपर मास लेवल पे लीक हुआ है। जैसे अगर किसी बच्चे को, एक बच्चे को पेपर मिल गया तो उसने कितने बच्चों को दिया है ये तो अभी तक नहीं पता कर सकते हैं। जिन लोगों ने सॉल्व किया है, अब जरूरी कि एक जगह ही पेपर लीक हुआ, जिस जगह अपन लोगों ने पकड़ लिया सिर्फ वहीं पेपर लीक नहीं हुआ, इसके अलावा और जगहों पर भी पेपर लीक हुआ जहाँ अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो ये चीज़ें भी अभी चल रही हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से देश में लगातार पेपरों में धांधली हो रही है उस पर किस तरह से रोक लग सकता है?
रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए, और एक सिक्योरिटी ऐसी बनानी चाहिए जो सिर्फ पेपर के टाइम एक्टिव हो, जो आपको पता ही ना हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सिक्योरिटी जाएगी। जिस तरीके से मान लो जब इलेक्शन होते हैं तब नई सिक्योरिटी एकदम से भेजते हैं, एकदम से नई फोर्स भेजते हैं वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में, उसी तरीके से हर सेंटर पर एक नई फोर्स भेजनी चाहिए जो कि उसकी सिक्योरिटी रखे। शुक्रिया भाई हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो रिजल्ट है वो सैटरडे को डिक्लेयर कर दिया जाए ऑनलाइन, लेकिन नाम को छुपाया जाएगा, तो क्या लगता है? देखिए सबसे पहले तो जिस तरीके से 100 स्टूडेंट की डिटेल से हमने इतने प्रूफ्स निकाल लिए, और अगर सारे बच्चों का रिजल्ट इस तरीके से डिक्लेयर हो जाएगा जितने भी हैं, अगर मान लीजिए 1,00,000 स्टूडेंट, टॉप 1,00,000 स्टूडेंट का भी डाटा ऐसे निकल जाए, बिगर नेम के भी निकल जाए, उससे भी हम काफ़ी और प्रूफ्स निकाल सकते हैं। बट NTA जो है ये चीज़, NTA से कहते थे 1563 जिन बच्चों ग्रेस दी मार्क्स दिए उनका डाटा दे दो हमें, बट NTA ने वो नहीं दिए। क्या लगता है आपको किस तरह से जो लगातार धांधली हो रही है, लोग चीट करा रहे हैं, इस पर किस तरह से रोक लगाया जा सकता है? सर देखिए रोक लगाने का एक ही मेन चीज़ है, जो पेपर्स होते हैं ना उन पर इतनी हाई सिक्योरिटीज लगाने देनी चाहिए, और जो पेपर लीक कराते हैं उनके लिए सज़ा बहुत कड़ी होनी चाहिए, जिससे कि वो डरें पेपर लीक कराने से। सज़ा कड़ी होगी तभी डरेंगे, पेपर लीक करेगा उसके साथ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। क्या लगता है मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा तो स्टूडेंट के पक्ष में फैसला होगा? देखिए उम्मीद तो यही करते हैं कि हमारे हक में फैसला आए, हमारे पक्ष में फैसला आए, और रीनिट हो, जो 23,33,000 स्टूडेंट्स सभी का रीनिट हो। अगर उतने का भी नहीं कराते जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1,00,000 के लिए लड़ाई है, तो क्या री एग्जामिनेशन 1,08,000 स्टूडेंट्स का होना चाहिए? अगर 1,00,000 स्टूडेंट्स का भी हो जाए, मैं ये कहता हूँ टॉप 2,00,000 रैंक्स वाले स्टूडेंट्स का करा दी, उसी में पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स धांधलेबाजी से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब बात करने के लिए। यहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज CGI साहब ने NIT का जो है NTA का NIT पेपर ले लिया। तुषार मेहता पहले दिन से यही कह रहे थे कि लीक नहीं हुआ, और आज भी वो लीक वर्ड को बार बार ब्रिज वर्ड से यूज़ कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे। बट हमारे वकीलों ने बहुत पुख्ता सबूत रखे और उनने बताया कि कैसे हजारीबाग में पंकज कुमार नामक व्यक्ति ने NTA के ट्रंक से पेपर निकाला, उसके बाद पेपर सॉल्विंग गैंग रंजन को उसने पेपर भेजा पटना में, जिनको रॉकी भैया कहा जाता है, एम्स पटना के डॉक्टरों से वो पेपर को सॉल्व कराया गया, उसके बाद PDF के साथ पेपर बांटा गया। गोधरा की भी बात हमारे वकीलों ने की, जिसमें उनने इस्टेब्लिश किया कि वहाँ पे जो गोधरा का एग्ज़ाम सेंटर इंचार्ज था उसका नाम भी तुषार था, उसने कहा कि आप अपनी OMR को खाली छोड़ दीजिएगा, हम आंसर की भर देंगे। तो आप समझिए फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के 180 क्वेश्चन के आंसर उसके पास होंगे, तभी तो उसने इतने शॉर्टी से कहा। तो जब CGI साहब को ये पता चला, और यहाँ पर EOU पटना की FIR की भी बात हुई जिसमें ये इस्टेब्लिशमेंट है कि 4 तारीख को पेपर लीक की घटना हुई, और EOU बिहार NH साहब ने इस्टेब्लिश किया था, और अनुराग यादव का ऑन रिकॉर्ड बयान है जिसमें उसने कहा कि 4 मई को रात को मुझे पेपर मिला, आंसर की मिली, और यही पेपर 5 तारीख को एग्ज़ाम में आया। तो CGI साहब से बार बार हम इतने दिनों से कह रहे थे, आज उनने ये भी कहा है कि NTA को कहा कि आप अपने बच्चों का सबका 23,00,000 बच्चों का डाटा रिजल्ट जो है सेंटर वाइज लगाएं, क्योंकि बार बार हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे थे, हमारे पास डाटा नहीं था। मतलब अगर पटना में लीक हुआ, हजारीबाग में लीक हुआ, गोधरा में लीक हुआ, तो हमारे वकील ये भी नहीं देख पा रहे थे कि वहाँ पर कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव चीज़ है, हमें शनिवार तक पता चलेगा, और मंडे को हम सब इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐतिहासिक फैसले का। CGI साहब ज़रूर 24,00,000 लोगों के हित में फैसला देंगे, और अगर 24,00,000 लोगों के हित में फैसला नहीं भी आता है तो इतना भरोसा हो गया है कि 1,08,000 बच्चों की रीनिट होने जा रही है। बहुत शुक्रिया समाज साहब बात करने के। जैसे कि यहाँ पर लगातार हम लोग जो मौजूद थे, कुछ स्टूडेंट थे, कुछ विद्यार्थी और कुछ छात्रों से लगातार हमने बात कर रहे थे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्या कुछ इनकी राय है। MK News के लिए दिल्ली से शुभ से।